है। विपक्ष ने उम्मीदवार उतारा है स्पीकर पद के लिए, उम्मीदवार उतारा गया है। के सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। के सुरेश ने नामांकन किया है स्पीकर पद के लिए, नामांकन दाखिल किया गया है और विपक्ष ने भी उम्मीदवार उतारा है। हालांकि एनडीए की तरफ से अगर देखा जाए तो ओम बिरला जो है उतारे गए हैं कैंडिडेट के तौर पर और विपक्ष ने भी के सुरेश को अपना कैंडिडेट बनाया है। तो के सुरेश ने नामांकन भी कर लिया है, नामांकन भरा है के सुरेश ने। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो के सुरेश जो कांग्रेस के सांसद हैं वो इससे पहले भी कई बार खबरों में देखे गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि कोड़िकुन्नल सुरेश यानी कि के सुरेश केरल की मवेली कारा लोकसभा सीट से सांसद हैं। 1989 से उनका इस सीट पर कब्जा रहा है। अब तक के वो 7 बार के सांसद रह चुके हैं। के सुरेश कांग्रेस की सरकार में 2012 से 2014 तक राज्य मंत्री थे। 2018 में उन्हें केरल कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया था और वो AICC के सचिव भी रह चुके हैं। शिवम संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शिवम, इंडिया गठबंधन ने भी उम्मीदवार अपना उतारा है। देखिए निश्चित तौर पर और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने 3 दिन पहले अपने दर्शकों को बताया था कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जो स्पीकर का चुनाव है वो सर्वसम्मत से नहीं होगा और आज उसी खबर पर मोहर लग गई है। ऑपोजिशन ने एक तरीके से आप कह सकते हो ऑपोजिशन ने अपना स्पीकर पर कैंडिडेट उतारा है। के सुरेश जिनका नाम प्रोटेम स्पीकर को लेकर चल रहा था और कांग्रेस पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया था कि वो सबसे सीनियर एमपी हैं, उसके बावजूद क्योंकि वो दलित हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया और वो खबर न्यूज 18 लगातार दर्शकों को बता रहा था कि स्पीकर पद पर सर्वसम्मत नहीं बन रही है। आज मोहर लग गई जब के सुरेश ने अपना नामांकन दाखिल किया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी हो ऑपोजिशन हो वो बाखूबी इस बात को जानते हैं कि उनका कैंडिडेट नहीं जीतेगा क्योंकि बीजेपी के पास एनडीए के पास पर्याप्त संख्या है लेकिन डिप्टी स्पीकर पद को लेकर लगातार रुकावट थी। डिप्टी स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर पद पर विवाद के बाद विपक्ष ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि स्पीकर पद पर वो सर्वसम्मत से चुनाव कराने को तैयार हैं लेकिन जो एक परंपरा रही है उसका निर्वहन हो यानी कि डिप्टी स्पीकर का पद ऑपोजिशन को दिया जाए। बीजेपी इसको लेकर तैयार नहीं थी। यही एक वजह है कि आज बिना मीडिया को सूचित किए या पहले कोई जानकारी दिए कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। अब ये साफ हो गया है कि स्पीकर पद पर चुनाव होगा और ये भारत के इतिहास में पहली बार है कि कोई स्पीकर चुनाव से निर्वाचित होगा यानी कि यह मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भले ही आंकड़ा एनडीए के पास ज्यादा है लेकिन ऑपोजिशन का दावा है कि कई अन्य दलों से उन्होंने संपर्क किया है और उन्हें उम्मीद है कि उन दलों का वोट मिलेगा। निश्चित तौर पर अब ये देखना होगा कि एनडीए से उम्मीदवार कौन होता है क्योंकि इंडिया अलायंस ने अपना उम्मीदवार दे दिया है। लगातार ऑपोजिशन चाहे वो राहुल गांधी हो अखिलेश यादव हो या तमाम अन्य दल हो वो ये कह रहे थे स्पीकर पद पर वो तैयार हैं एक सर्वसम्मत से लेकिन डिप्टी स्पीकर के पद पर विपक्ष का हक है क्योंकि 2019 में संख्या बल कम था इसलिए नहीं दिया गया। इस बार इंडिया अलायंस के पास पर्याप्त संख्या है हमें डिप्टी स्पीकर का पद देना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ रुख दिखा नहीं बीजेपी का। यही एक वजह है कि कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को उतार दिया है। माना यह जा रहा है कि अभी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। बिल्कुल दिलचस्प हो गई है और वाकई में आपने ठीक कहा कि इस बार सर्वसम्मति से नहीं बल्कि मुकाबला खास होगा, मुकाबला दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया शिवम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ जहां आप देख रहे हैं के सुरेश तो दूसरी तरफ ओम बिरला, ये दो चेहरे और दोनों ही चेहरों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है और बड़ी बात यह कि इस बार सर्वसम्मति से नहीं बल्कि मुकाबला लोकसभा अध्यक्ष के लिए भी कड़ा होने वाला है। दिल्ली से खबर जहां सफदरजंग अस्पताल में आग लग गई है और अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में आग लगी